नमस्कार, हमारी खास पेशकश टुडेज हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और चलते हैं अब ऐसी खबरों की ओर जिन्होंने आज अखबारों में जगह बनाई है, और ये सब बताने के लिए हमारे साथ तीन वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर केशव पांडे और साथ ही रविन्द्र व्यास जुड़ चुके हैं। आप तीनों पत्रकारों का पहले तो बहुत स्वागत है। गीत जी, शुरुआत आपसे ही अगर यहां पर देखा जाए कुछ प्रमुख खबरों के बारे में, तो आज अखबारों में कौन सी प्रमुख खबरें हैं जो भोपाल और प्रदेश से जुड़ी हुई हैं? देखिए, अगर मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर अगर लगातार अपन रोज बात कर रहे हैं, उसको लेकर तमाम अखबारों में बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबके अलग अलग एंगल्स हैं। लेकिन कल जिस तरह से सीएम ने एक बड़ा निर्णय लिया है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंजेक्शंस को हेलीकॉप्टर या प्रदेश के अन्य जिलों में पहुँचाए जाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाएगा। मतलब किसी तरह की भी ऑक्सीजन हो, चाहे इंजेक्शंस को लेकर जिस तरह की खबरें लगातार अखबारों में प्रकाशित हो रही, उसको लेकर जो है राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उसके बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है सीबीएसई बोर्ड की, जो कल बैठक चल रही थी, उस घंटे भर चली बैठक में ये तय कर लिया गया है कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 12वीं की परीक्षाओं को टाला गया है। मतलब 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। इसी के साथ हरिभूमि की अगर एक इंटरव्यू बात, क्योंकि लगातार एक ना एक रिपोर्टर जो अखबार के हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है हरिभूमि को कि गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से ऑक्सीजन की पर्याप्त खेप आएगी और इसका इंतजाम सरकार करेगी। साथ ही अगर बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की, तो देश में वैक्सीन की कमी नहीं होने देंगे, उनने कहा है। इसके साथ ही एक अगर ये बात कहें, उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है जिसमें मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, वहीं जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ये खबर भी लगभग सभी अखबारों में फ्रंट पेज पर है। इसके बाद एक कुछ छोटी छोटी खबरें का जिक्र कर दूं। महिला वकीलों के लिए जस्टिस बनने पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए अवसर के लिए अब उस पर सुनवाई होगी। जयपुर के सरकारी अस्पताल से कोवैक्सीन के 320 डोज जारी किए गए हैं। उसके बाद आपको एक बड़ी बता, जो कोर्ट परिसर में घुसेगा उसको, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो कोरोना संक्रमण के बाद प्रवेश को लेकर पाबंदी लगा दी, अब उसके बाद क्या कही, जिसके पास आरटीपीसीआर की रिपोर्ट होगी वही जो है वहां अंदर प्रवेश कर पाएगा। एक भास्कर में थोड़ी सी भयावह करने वाली तस्वीर है, जो मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और लोकमान्य तिलक की तस्वीर है, जिसमें घर वापसी को लेकर जो प्लान शुरू हुआ है उसमें ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है, मनमाना किराया वसूला जा रहा है। अगर जगह नहीं मिल रही तो लोग अपने साधन से ऑटो करके प्राइवेट वाहनों से घर वापसी करने लगे हैं। तो ये तस्वीर, ये डर उस बात को इंगित कराता है जो पिछले साल जिस तरह से लॉकडाउन लगा था और वो भय और भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन इसके साथ ही मध्यप्रदेश सरकार से एक खबर है कि अब 3 जिलों में और लॉकडाउन, मतलब कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, होशंगाबाद, धार और रीवा, इसमें जो है थोड़ा सा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, चूंकि ये बात है। और इसके साथ ही अगर बात करूंगा, चूंकि वो पांडे जी बताएंगे शिवपुरी की एक बड़ी दर्दनाक खबर है, वो उसका जिक्र स्वाभाविक तौर से पांडे जी करेंगे, लेकिन ऐसी अगर खबरें मध्यप्रदेश में आ रही हैं तो ये बड़ी बात है। लेकिन एक खबर और बता दूं आपको भोपाल से, कि जो सामान्य मरीज हैं उनको भी अब अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, वो दर दर भटक रहे हैं, ऐसी दो अखबारों में खबर है। ये बात अलग है। एक थोड़ी सी वन्य जीवी को लेके है, जो शेर बहुत दिनों से घायल था और गायब था, वो उसकी कल पड़ताल हो गई। इस खबर को भी लगभग सभी अखबारों ने तरजीह दी है और उसको जो है लगभग सभी ने कवरेज किया है। इसके साथ ही अगर बात करें अनन्या, तो जिस तरह से नई दुनिया ने एक्सपर्ट्स व्यूज के साथ जो कमेंट्स लिए हैं कि कोरोना से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर भी मुझे लगता है कि सारे एक्सपर्ट्स के व्यूज़ आए हैं। ये अपने आप में अलग तरह का प्रेजेंटेशन है, और इस प्रेजेंटेशन के बाद मुझे लगता है कि और, लेकिन इसके बाद ही नई दुनिया की ही खबरों की बात करें तो उसमें वो, चूंकि रविंद्र व्यास जी बताएंगे, दमोह से जुड़ी खबर है, बाकी तो लगभग वही सारी खबरें हैं। और कल जो अंबेडकर जयंती मनाई गई है उसको लेकर लगभग सभी अखबारों में कवरेज किया गया है जी। तो यहाँ पर डॉक्टर केशव पांडे आपका रुख कर लेते हैं, अगर यहाँ पर ग्वालियर चंबल की बात कर ली जाए तो ग्वालियर चंबल से आज कौन सी प्रमुख खबरें हैं, साथ ही कोरोना को लेकर क्या अपडेट है? भिंड के विधायक जो बीएसपी से है संजीव सिंह, कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, और ग्वालियर में कर्फ्यू 7 दिन के लिए आज से लगा दिया गया है, और केवल जो आवश्यक चीजें हैं वो आम आदमी खरीद सकेगा, लेकिन भीड़भाड़ नहीं होगी। लेकिन कल तक का
जो नजारा था वो ये था कि बाजारों में भयंकर भीड़ थी और वाहन भी चल रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई कोरोना से डरा हुआ है। और ये जो हालात है ये बिगाड़ने वाले हैं, लोगों को ये खुद ही समझना चाहिए और इसमें उनको सावधानी बरतना चाहिए। प्रशासन कितनी उसमें ताकत लगाएगा ये समझ में नहीं आता। ग्वालियर में संक्रमित 595 पर पहुंच गए हैं और 4 की मौत हुई है और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आवश्यक सुविधाओं के लिए छूट रखी गई है। जीएच हॉस्पिटल में लगातार संक्रमित हो रहे डॉक्टर्स भी हो रहे हैं और बीएसएफ जो टेकनपुर का सेंटर है इस सेंटर पे भी पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। निजी अस्पतालों में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कैशलेस मेडिक्लेम पर इलाज करने से वो मना कर रहे हैं और वो नकद पैसा जमा करा रहे हैं, जबकि ये गलत है और इसकी वजह से इलाज कराने वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सुपरी का जो बहुत खराब घटना हुई है वो ये है कि वहाँ के एक वार्ड बॉय ने हॉस्पिटल में सुरेन शर्मा नाम के एक शिक्षक जो भर्ती हुए थे उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, रात को 12 बजे उसने उनकी ऑक्सीजन हटा दी और पैसा लेके किसी अन्य मरीज को लगा दी। सुबह 7 बजे तक वो बिना ऑक्सीजन के कारण तड़प तड़प के मर गए हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है, इस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि इससे खराब कोई खबर हो नहीं सकती और इन खबरों का ऐसी घटनाओं का दोबारा न हो इसके लिए बहुत ध्यान देने की बात है। संबंधितों के विरुद्ध इसमें कार्रवाई होना चाहिए। आज से और 21 तारीख तक जिला न्यायालय बंद रहेंगे। केवल विशेष मामलों में 15, 16 और 19 अप्रैल को सुनवाई होगी, ये खबर है। ग्वालियर में पुरानी छावनी में शराब का जो पकड़ने का कार्य चल रहा है उसमें एक शराब बनाने की फैक्ट्री घर में ही पकड़ी गई है, जिसमें स्प्रिट मिला के और रैपर्स बदल के एक मशीन लगा रखी है जो उसमें स्प्रिट भर के और सप्लाई कर रहे हैं, जिससे लोगों की मौत होती है। ये एक बड़ी खबर है, वहाँ जिसको पकड़ा गया है। आयुष्मान और सौभाग्य योग में गणगौर मनाई जा रही है, सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे, ये आज अखबारों ने प्रमुख खबर बनाई है। धार्मिक क्षेत्र की खबर है। कोरोना में हमारा जो नैरोगेज है ग्वालियर चंबल संवाद का जो 114 साल पुराना है, इसको कोरोना की वजह से ये निकल गई है एक तरह से और ये ट्रेन बंद हो गई है। उसके बंद होने से 50 गांव प्रभावित हो रहे हैं और इसको हेरिटेज बनाने की ट्रेन बात चल रही है, लेकिन अब मुझे मुश्किल लग रहा है तो बन पाएगी क्योंकि ब्रॉडगेज को भी शुरू होने में काफी टाइम है। ये खबर को प्राथमिकता दिया है। कोलकाता से ग्वालियर आने वाली फ्लाइट को जम्मू तक ले जाने की तैयारी की जा रही है और ये 20 अप्रैल तक प्रारंभ हो जाएगी, ऐसी प्रमुख जी। तो यहाँ पर रविंद्र व्यास जी आपका रुख कर लेते हैं। अब अगर बुंदेलखंड की बात कर ली जाए तो बुंदेलखंड में सबसे पहले तो दमो का जो चुनाव है उसी में आज आखिरी दिन बचा है प्रचार का और आज के बाद जो है प्रचार बंद थम जाएंगे, तो ऐसे में हमारा दमो की राजनीति क्या हाल है, साथ ही तमाम खबरों जो है दमो से आज कौन कौन सी है? दमो में चुनाव प्रचार आज थम जाएगा और पर दमो और सागर में कोरोना को लेकर स्थितियां एक तरह से बेकाबू होती जा रही है। डॉक्टर्स भी मान रहे हैं कि कोरोना संक्रमण जो है कम्युनिटी स्प्रेड लेवल पर पहुंच गया है। बुधवार को सागर जिले में 168 मरीज संक्रमित मिले हैं। पिछले कुछ दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में ही कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। टीकमगढ़ जिले में बुधवार को 119 संक्रमित मिले हैं। बुधवार की सुबह जिला अस्पताल में भर्ती एक 45 वर्षीय युवक की संक्रमण के चलते मौत भी हुई है। टीकमगढ़ कलेक्टर ने कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है जो 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा। पन्ना जिले में बुधवार को एक तरह से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। नगर के 108 मामलों सहित जिले में 143 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक महिला सहित 4 लोगों की संदिग्ध मौत की खबर भी है। दमोह जिले में संक्रमण की स्थिति चुनाव के बीच में बहुत भयावह होती जा रही है। बुधवार को कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई, जबकि 93 मरीज कोरोना प्रभावित पाए गए। छतरपुर जिले में बुधवार को 137 कोरोना पॉजिटिव मामले निकले हैं। सिविल सर्जन जिनको कोरोना के वैक्सीन दोनों डोज लग चुके थे उनके सहित शहर में 58 लोग और खजुराहो में 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए।
छतरपुर में भी कोरोना कर्फ्यू 14 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल की 6 बजे तक के लिए लगा दिया गया है। सारे कार्यालय अर्ध शासकीय और शासकीय कार्यालय 21 अप्रैल तक पूर्णतः बंद रहेंगे। एक कोरोना की एक अमानवीय तस्वीर भी सामने आई है, जहां क्रिश्चियन हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई थी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे। उनका जो दफनाने की कब्रिस्तान में दफनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्रिश्चियन समाज के लोगों ने उनको दफनाने से मना कर दिया। उसके बाद उनका जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मुक्ति धाम में हिंदू संस्कृति के तहत अंतिम संस्कार कराया। सागर में एक दर्दनाक खबर है कि सागर श्री अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत महिला की हो गई थी और डॉक्टर जो है उसके बावजूद भी उसके परिवार वालों से दवाएं मंगाते रहे। इसको लेके काफी समय तक हंगामा चलता रहा। सागर में एक भास्कर ने बड़ी खबर छापी है कि मौत छिपाने का खेल जारी है। 13 दिन में 11 लोगों को निगेटिव बताकर सामान्य मौत दिखाने की कोशिश की गई, पर इसमें से इसका खुलासा तब हुआ जब एक मौत जब उसकी डेड बॉडी दी गई और पहले उसको पॉजिटिव बताया गया, जब डेड बॉडी दी गई तो उसको निगेटिव बता दिया गया। एक छतरपुर जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र से खबर है, जहां दो मासूम बच्चियों के साथ एक रफीक खान नामक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया जब वो मंदिर से वापस लौट रही थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सागर में एक पॉजिटिव खबर है, सागर के भरचा गांव में 98% लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। मात्र 2% इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लोग बाहर गए तो 2 लोग तैयार नहीं हैं। एक अच्छी खबर खजुराहो से, 1 मई से खजुराहो में इंडियन एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू हो जाएगी। ये कुछ प्रमुख खबरें थी। तो रविंद्र व्यास जी, डॉक्टर केशव पांडे जी और गीत दीक्षित जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों से रूबरू कराने के लिए। तो ये तो कुछ तमाम खबरें थी, भोपाल जुड़ी हुई, प्रदेश जुड़ी हुई, साथ ही बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल जुड़ी हुई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उन खबरों की ओर जो कि महाकौशल विंध्य और मारवा निवाड़ जुड़ी हुई है। हमारे साथ 3 वर्ष पत्रकार जुड़ चुके हैं, हमारे साथ यहाँ पर फोन लाइन पर पंकज पटेल जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ अशोक शुक्ला और भानु चौबे जुड़ चुके हैं। आप तीनों पत्रकारों को पहले तो बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। भानु चौबे जी, शुरुआत में आपसे करूंगी, अगर यहाँ पर मारवा निवाड़ की हालत देख ली जाए कोरोना को लेकर और तमाम खबरों को लेकर, तो अखबार आज क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मैं पहले कोरोना संक्रमण की कुछ खास बातें आपको बता दूं जो अखबारों में छपी है। इंदौर में महामारी 1700 के करीब नए मरीज पहुंचे हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन और इंजेक्शन और इनकी दिक्कतें जो हैं वो हो रही हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री ने 600 सिलेंडर ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। लोग दोबारा संक्रमित हो रहे हैं, ये डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा है और बड़ी चिंताजनक स्थिति है ये। एक पुलिस अधिकारी की मौत हुई है कोरोना से, उसपे विभागीय लोग नाराज है कि वरिष्ठ अधिकारी बराबर इलाज का इंतजाम नहीं करा रहे हैं। 6 दिन में रिपोर्ट मिलेगी जांच की, तो कैसे इलाज होगा ये भी एक सवाल उठा है। बुजुर्गों को मदद के लिए हर थाने से 2-2 वॉलंटियर तय किए गए हैं जो एकदम पहुंचेंगे टेलीफोन मिलने पे और उनकी मदद करेंगे। एक अच्छी खबर है कि एयर कंसंट्रेटर 4 शहरों में चालू हो गया है ऑक्सीजन देने के लिए, उज्जैन, खंडवा, सिवनी और एक शिवपुरी में, उधर से बताएंगे। और 280 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है ऐसा मुख्यमंत्री बता रहे हैं। इंजेक्शन भी आ रहे हैं, ऑक्सीजन भी आ रही है, लेकिन वो जितने मरीज हैं और जरूरत है उसके मुकाबले कुछ नहीं है। एक खबर हाईलाइट हुई है रोड शो स्थगित होने की दमोह में, शिवराज जी का और सिंधिया का, लेकिन अब क्या हो सकता है, इतने दिन प्रचार हुआ, इतनी भीड़ हुई, उसमें जो कुछ होना था हो चुका वो तो। और एक खबर मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा, ये भास्कर ने एक आकलन छापा है, बहुत अच्छा आकलन है और बड़ा गंभीर है कि संकट से पहले अवसर था लेकिन नहीं बनाया। 5 साल में हेल्थ बजट, स्वास्थ्य विभाग पे बजट 42,000 करोड़, उसने ब्रेकअप दिया 17-18, 18-19 से 21-22 तक का 42,000 करोड़ खर्च हुए हैं और आज भी बेड नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, कहीं कोई कमी है, कहीं कोई कमी है।
तो ये बड़ी चिंताजनक बात है कि पैसा जा कहाँ रहा है, और ये देखा जाना चाहिए था। और हालांकि मुख्यमंत्री ने कमान संभाल ली है, इसका एक संकेत ये है कि जो प्रशासन का स्तर है, जिला प्रशासन से लेके प्रमुख सचिव तक का, अपर प्रमुख सचिव तक का, ये लोग बराबर हैंडल नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। ये खबरें भी छपी है कि वो अंदाज नहीं कर पाए, जैसे कि अभी एक खबर छपी है कि अधिकारी ये अंदाज नहीं लगा सक रहे हैं कि 30 अप्रैल तक 1 लाख मरीज हो जाएंगे, वो अभी भी 50,000 के हिसाब से व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऐसा कमान हाथ में ली सीएम ने, सही अंदाज होता है कि प्रशासन असफल रहा और आखिर सीएम को मैदान में आना पड़ा। वो जिले के जमीनी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं फोन करके कि आपका क्या हाल है, बताइए क्या कमी है। तो मेरे ख्याल से ये प्रशासन के लिए बड़ी सोचने की बात है कि आखिर क्या कर रहे हैं आप लोग बैठ के। ये खबरें हैं कोरोना की, और इसके अलावा मौसम बदल रहा है, कुछ बौछारें हैं संक्षिप्त में। महाकौशल की कुछ खबरें, प्रमुख बात यह है, आज से 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक कोर्ट में सुनवाई बंद हो गई है, केवल अर्जेंट मामलों की सुनवाई होगी और ये केवल 2.5 घंटे होगी, इसमें स्पेशलिस्ट जज बैठेंगे। दूसरा, ये सबसे बड़ी खबर ये है कि कोरोना के इलाज को लेकर जो राज्यसभा सांसद हैं विवेक तन्खा, उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने संज्ञान दिया है। उनने पत्र याचिका भेजी थी जिसमें उसमें लिखा था कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ध्वस्त हो गई हैं, निजी अस्पताल जो है अनाप शनाप बिल दे रहे हैं, और जो CGHS वाले मरीज हैं उनसे एडवांस लिया जा रहा है। इस मामले को लेकर हालांकि हाईकोर्ट में सुनवाई आज होनी है, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, मुझे कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच में जो सरकारी अस्पतालों की लापरवाही है वो भी अखबारों की सुर्खियां हैं, बहुत बड़ी बात है। पश्चिम मध्य रेल का हेडक्वार्टर जबलपुर में है, और यहाँ जो केंद्रीय हॉस्पिटल है सेंट्रल गवर्नमेंट इनका, सेंट्रल रेलवे का, ये पश्चिम मध्य रेल का, उसमें बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात भारतीय की खबर चाहती कि 100 वेंटिलेटर गायब हो गए जो पिछले कोरोना काल में खरीदे गए थे। एक एक रेल कर्मचारी की मौत के बाद ये मामला उठा, उससे बहुत बवाल मचा कि ये 100 वेंटिलेटर कहाँ चले गए। तो DRM ने भी ये कह दिया कि मुझे नहीं पता कहाँ गए, ये बड़ी बात है। और एक लापरवाही ये हुई कि जो एक मरीज कोविड मरीज के अंतिम संस्कार के लिए मशीन में जैसे ही शव डाला गया तो वो आधा अधजला शव फंस गया, उससे घंटों दूसरे शव जलाने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ा 8-8 घंटे, ये बहुत बड़ी बात है। और मरीज लगातार पड़ रहे हैं, और ऑक्सीजन की कमी को लेके बिश्नोई जी ने प्रत्येक पत्र लिखा है, और जबलपुर में ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के बाद ही प्रशासन ने इसकी स्वीकार करी है, और ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मच गया है, ये बहुत बड़ी खबर है। जी। तो यहाँ पे अशोक शुक्ला जी आपको रुक कर लेते हैं, अगर यहाँ पर विंध की कुछ प्रमुख खबरों के ऊपर नजर डालें तो क्या कुछ खबरें हैं आज संक्षिप्त में, समय की कमी है आज। में आज से कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, और 810 नए पॉजिटिव केसों से चिंता बढ़ा दी है, प्रशासन चिंता बढ़ गई है। लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं, सत्ता ने बहुत साफ तौर पर लिखा है कि जो प्रशासनिक नाकामयाबी है इसको रोकने की, वो बड़ी चिंता की बात है। और विशेष रूप से पत्रकार और भाजपा दोनों ने इसको फोकस किया कि किस तरह से जरूरी दवाओं की कमी देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी मिल रही है। और एक और बड़ी खबर ये है कि 2 मरीजों को कल जो है संजय मित्तल कॉलेज जो रीवा का है वहां पर उनको भर्ती नहीं किया जाता है, उसको वापस ना लाया जाता है, यहाँ तक रेफर किया गया तो उन दोनों की मौत हो जाती है, ये भी एक बड़ी खबर है। सतना में जो हमारे कोविड मंत्री हैं रामकृष्ण पटेल, उनके लापता होने के पोस्टर लगे हैं, ये भी एक बड़ी बड़ी खबर है। और राशन दुकानों से जिस तरह से सड़ा गला गेहूं वितरित किया जा रहा था उसको भाजपा ने एक बार फिर से उठाया है, और साथ ही ये भी जानकारी दी है कि इसको रोक दिया गया है। कुल मिलाकर ये है कि कोरोना संभाले नहीं संभल रहा है, उसके जो दावे किए जा रहे हैं उसको रोकने के, संक्रमण को रोकने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो भी नाकाफी हैं, जिसके चलते कहीं कहीं कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है। और अस्पतालों में जो बद इंतजामी है उसको लेकर शासन दावे भले कुछ करता हो, वास्तविकता ये है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को न तो उपचार मिल पा रहा है, और ये खबरें तमाम सभी अखबारों में ये खबरें हैं। अब देखना यह है कि सरकार इन खबरों को देख पा रही है कि नहीं देख पा रही है। जी, तो यहाँ पर हमें खबर जानी बुंदेलखंड से, साथ ही हमने आज महाकौशल से लेकर आपको मालवा निमाड़ तक की सारी खबरें बताई। हमारे साथ 3 पत्रकार जुड़े हुए थे, हम आप तीनों पत्रकारों को बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भानु चौबे जी, अशोक शुक्ला जी और पंकज पटेरिया जी। यहाँ पर तमाम खबरों के ऊपर चर्चा हो चुकी है, अब सार निकल कर जो आया है वो ये आया है कि फिलहाल में अस्पतालों की हालत अभी भी खराब है, यानी कि कहीं हर अखबार में ये बात जरूर निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की अभी भी कमी देखने को मिल रही है, अस्पतालों के हाल जो है बेहाल है, मरीजों की संख्या जो है ज्यादा है और इसीलिए अस्पतालों में ऐसी स्थिति बन रही है। वहीं दूसरी और बात यहाँ पर कर ले बड़ी खबर की, तो बड़ी खबर ये थी आज कि जो कल एक फैसला लिया गया कि CBSE बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उन्हें टाल दिया गया है, तो कहीं स्थगित कर दिया गया, यानी कि 10वीं की परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी गई हैं, तो वहीं 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, यानी कि इसका
ऊपर जो फैसला है वो 1 जून की बैठक में होगा। अब इस वजह से जो है बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनके भविष्य के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और तीसरी खबर की अगर बात कर लें यहाँ पर, तो तीसरी खबर ये है कि आज तमाम अखबारों में जो है ऑक्सीजन की कमी को लेकर कई सारे मुद्दे उठाए गए हैं, साथ ही शमशान घाट की जो स्थितियां हैं उनको देखकर कई सारे मुद्दे उठाए गए हैं। और वहीं अगर आखिरी खबर की बात करें तो यहाँ पर दमोह के चुनाव का आज आखिरी दिन है, यानी कि प्रचार आज थम जाएगा, सभी दिग्गज अपनी ताकत झोंक चुके हैं और ऐसे में अब देखना ये होगा कि दमोह चुनाव में आगे क्या होता है, क्योंकि ये जो है दमोह चुनाव है ये सिर्फ दमोह का दंगल नहीं है, ये नाक का सवाल है, साख का सवाल है। तो ये कुछ प्रमुख खबरें थी आज अखबारों से जिनका सार हमने आपको बताया। हमारी खास पेशकश टुडेज हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।